बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद, मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान नामिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज सुपर 12 मरहले के दो मैचेस हुए। पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान हुआ, इंग्लैंड ने ये मैच अपने नाम किया। दूसरा मैच नमीबिया और स्कॉटलैंड के दरमियान था और नमीबिया ने इस मैच में भी स्कॉटलैंड को शिकस्त दी और दूसरा ये मैच है जो नमीबिया ने अपने नाम किया है। तो किस किस के लिए खतरे की घंटी बजाई है, इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ पे खुश आयन बात आप तक पहुंचाते जाएं कि आसिफ अली, जो कल के मैच में उन्हें बॉल लगी थी तो उसके बाद काफी तश्वीश का इजहार किया जा रहा था कि आने वाले मैचेस में क्या वो कैपेबल होंगे कि वो दोबारा से मैदान में उतरें। उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जब मुझे गेंद लगी तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैच को खत्म करके जाऊंगा, और साथ ही साथ वो मशहूर हुए शुएब मलिक के। उनका यह कहना था कि जब मैं क्रीज पर आया, हैंडशेक किया शुएब मलिक के साथ, तो शुएब भाई ने मुझे ये कहा कि आज तुम्हारा दिन है, अपनी मर्जी से खेलो, लेकिन ये याद रखना कि खेलना है तो सिर्फ सीधा खेलना, इधर उधर ना खेलना। कहते फिर मैंने वैसे ही खेला और उसका इम्पैक्ट सारे अवाम ने देखा और शायकी ने क्रिकेट उससे महसूस भी हुए। तो इसी से आज बात का आगाज करते हैं। आमिर भाई, आसिफ अली को अगर देखा जाए तो वो मिड विकेट ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमें लगा कि तजर्बाकारी ने काम दिखाया, एक तजर्बाकार बल्लेबाज ने मशवरा दिया, उसी मशवरे पे अमल दरामद किया और फिर रिजल्ट आपके सामने। देखिए, ये एक्सपीरियंस है आपके लिए, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो इस तरह की सिचुएशंस को काफ़ी दफ़ा डील कर चुके होते हैं और उनको आइडिया होता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा तो आपकी सोच बंदी होनी चाहिए और आपके सांस नहीं रुकने चाहिए। लंबे लंबे सांस लेने हैं, सोचते रहना है, जो टीम को जितवाने के लिए चीज़ें हैं उसके ऊपर गौर करना है और अपने पार्टनर को साथ लेके चलना है अपने, और उसको समझाना है कि क्या करना है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वो मिड विकेट की तरफ जो है ज़्यादा फेवर करते हैं, छक्के मार रहे हैं, लेकिन शुएब मलिक की जो एडवाइस थी वो पाकिस्तान के लिए भी कारगर साबित हुई और उनका भी मेरा ख्याल है हौसला बड़ा होगा। और मैं समझता हूँ कि वो बड़े लकी रहे कि गेंद जो है वो डायरेक्ट फ्लश ऑन हेलमेट पे नहीं लगा, वो पीक के ऊपर लगा, वो जो चौंध सी पीक की होती है उसके ऊपर लगा, जिससे थोड़ा सा वो जो इम्पैक्ट तो हुआ वो थोड़ी देर आप गड़बड़ाते तो हैं, लेकिन शुक्र है कि उनको कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में खिलाड़ी को ऑब्जर्वेशन में कितनी देर रखा जाएगा? आई थिंक 24 आवर्स की ये ऑब्जर्वेशन होती है और देखा होगा उन्होंने कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर या कोई और चीज़, और उसके बाद कोई उल्टियाँ शुल्टियाँ ये वो, और नहीं हुआ उन्होंने फ्री चिट दे दी होगी कि योर रॉकेट गो। एक खुशाइन बात है, हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि वो बखैर आफियत ही रहें और इस तरह ही परफॉर्म करते रहें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब ने। अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल गफ्फार साहब, अगर कल के मैच में हम बात करें, अपने सब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बात करें और बिलखसूस जैसे कि हम आसिफ अली की बात कर रहे हैं, खुशाइन बात है कि वो बखैर आफियत हैं और वो आगे भी इस तरह ही परफॉर्म करने का आज़म रखते हैं, तो आसिफ अली की परफॉर्मेंस कल के दिन की और आइंदा आने वाले दिनों में उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया यासिर, सबसे पहले आपको और आपके तमाम देखने वालों और स्पेशली स्टूडियो में मौजूद आमिर सुहेल साहब को अस्सलाम वालेकुम। और यकीनी तौर पर ये जो पाकिस्तान की जीत है कल, आई थिंक जब मिडल में एक क्राइसिस आया, बॉलिंग तो आपने, मैं समझता हूँ 10 में से 10 नंबर हम देंगे बॉलिंग को, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी से पाकिस्तान ने बॉलिंग की, प्लानिंग अच्छी थी, न्यूजीलैंड को रीड अच्छा किया हुआ था, केन विलियमसन का भारत रनआउट भी मुझे लगता है न्यूजीलैंड को बहुत भारी पड़ गया, वरना वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि लग रहा था कि भांप चुके थे कि ये विकेट 145-150 वाला स्कोर बन सकता है, लेकिन इवेंचुअली वो 10-15 रन शॉर्ट हो गए और केन विलियमसन का रनआउट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन पाकिस्तान की जब बैटिंग ने थोड़ा सा, हम कहते हैं, लड़खड़ाई, तो यही चीज़ उस पर दिमाग में आ रही थी कि ये है वो मैच जिसके अंदर आपने अब अपनी ना बेस्ट देना है, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ के लिए 3 टीमों की मेन रेस थी और ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान मैच को जीतेगा तो सेमीफाइनल की जो तमाम चीज़ें वो ऑन द वे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अभी पहुंच गए हैं, बट वर्चुअली जैसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे कोई अपसेट ना हो तो वी आर एक्चुअली डूइंग डिड अवर जॉब ऑलरेडी। बट बहुत तारीफ करना पड़ेगी शुएब मलिक की और आसिफ अली की, स्पेशली शुएब मलिक ने देख लिया कि इस विकेट पर उनको भी 2-3 मरतबा शॉट खेलते हुए मुश्किल हुई, बट आसिफ अली को जिस तरह वो खिला गए, आई थिंक यही वो एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर आप बैंक करते हैं रन चेजेस के अंदर, T20 के अंदर, और ये चीज़ आपको सिखाई जाती है। जब ये बात हुई थी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई थी, यही उस पर तनकीद क्यों कर रहे थे हम सब, क्रिकेटर्स भी, मीडिया भी, तजियाकार भी, कि इस टीम में एक्सपीरियंस नहीं है और सबके सब लोग पहली मरतबा लगता है कि वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे। आज़म खान थे, खुशदिल शाह थे, आसिफ अली थे, सोचिए ना कि सिचुएशन अगर आज
गोल ही होती तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं। तो चले अच्छी बात है कि हमने अपनी गलती को दुरुस्त किया, एक्सपीरियंस को लेकर आए, और आई थिंक बहुत ही कमाल की इनिंग खेल के आसिफ अली उनके अपने कैरियर के लिए बड़े डिफाइनिंग मोमेंट हो सकती है। और पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस की और बैक टू बैक जीत की जितनी तारीफ की जाए कम है, दुनिया पाकिस्तान की बात कर रही है। अब सिर्फ यही बात हो रही है कि फेवरेट का टैग संभालना बड़ा मुश्किल होता है, आप परफॉर्मेंस को अचीव कर लेते हैं बट सस्टेन करना मुश्किल होता है। एक इंसान के लिए यही बड़ी बात है, वो इंसान चाहे किसी भी शोबे से मुंसलिक हो उसके लिए यही बड़ी बात है कि वो अपनी गलतियों को अपने सामने रखे, उसको परखे और फिर मुस्तकबिल का फैसला करे, तो वो जो फैसला है वो उसके हक में भी बेहतर होगा और आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके हक के लिए भी बेहतर होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जब एक नया खिलाड़ी आया पिच के ऊपर तो उसे स्टडी करने में जितना वक्त चाहिए था तो एक तजर्बाकार खिलाड़ी ने अपना जो टीम का तजर्बा था वो परखा हुआ था, क्रीज पे खड़े थे तो उन्होंने अपना तजर्बा शेयर किया और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा देखने को मिला। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का पैटर्न ये है कि हम इब्तदाई तौर पे जो मैचेस हो चुके हैं आज के उस पे बात करते हैं, लेकिन हमें शायकीन क्रिकेट के जज्बात को भी मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है। आमिर भाई, जिस तरह कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया नेशनल टीवी के ऊपर शुएब अख्तर के साथ और फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई, कल के वाक़े पे आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इट्स वेरी सैड। और शुएब अख्तर का अपना स्टेचर है पाकिस्तान क्रिकेट में, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया और अभी भी सर्व कर रहे हैं। और ठीक है, शुएब अख्तर इज़ एन अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, लेकिन एंकर का काम होता है कि अपने शो को कंट्रोल करें और एंकर का काम होता है कि उसने गेस्ट से ज़्यादा जो निकालना है और ख़ुद उसने काम रहना होता है, ख़ुद अपना टेंपर नहीं लूज़ करना। सो आई थिंक इट वाज सैड, वो जो भी आया, और स्पेशली इस वजह से सैड है कि साथ में बैठे हुए एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का सर विवियन रिचर्ड्स, और उसके बाद आपके साथ डेविड गार बैठे हुए हैं, जो द मोस्ट एलिगेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यू कुड से, वो बैठे हुए हैं और बड़े नफीस इंसान हैं, उनके सामने ये वाला सारा जो था, आई थिंक इट वॉज़ अ बैड टेस्ट। आइंदा से मेरा ख्याल है इन चीज़ों से रिफ्रेन करना चाहिए। दोनों तरफ जो है लोग जो है एक्सपीरियंसड है, शुएब भी एक्सपीरियंसड है, उसके बाद डॉक्टर नुमान भी काफ़ी यू नो एजुकेटेड इंसान है, उठना बैठना उनको आता है, और ये जो सारा एपिसोड हुआ है इट्स नॉट राइट। अब्दुल गफ्फार, आप क्या राय रखते हैं कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सहाफती नज़र से आप कैसा देखते हैं कि कल के वाक़े को लेकर जिस तरह इंडिया के अंदर तूफान बदतमीज़ी बरपा है, बातें हो रही हैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल के ऊपर, उसके एंकर के ऊपर, इससे कैसा तासुर जाता है? देखिए आमिर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बतौर एंकर आपकी जिम्मेदारी होती है, मैं खुद भी अपना शो कंडक्ट करता हूँ डेली, तो यही हमारा मेन जॉब होता है कि हम अपने तमाम जो शो के मामलात हैं, रन डाउन है, कैसे बात करना है, जितने मामलात हैं वो बड़ी प्रोफेशनली हैंडल कर लें, और ऐसी सिचुएशन पर सबसे पहले होस्ट को सबसे पहले जो है ना काम डाउन होना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली वो इस कहते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप, वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। मुझे समझ नहीं आई कि इतनी ज़्यादा बात कैसे बढ़ गई, क्योंकि मैंने भी टू बी ऑनेस्ट कल अपने शो में बिजी था, फिर मैच के बाद आपको पता है हम सब एनालिसिस अपने अपने शोज कर रहे होते हैं, मैंने कहीं रात गए जाके तब ये देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे सोशल मीडिया वाले, आपको पता है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमसे ज़्यादा फैंस चीज़ें पहले ढूंढ के ले आते हैं, और मुझे भी ट्विटर पे जो है ना वो इन्हीं लोगों से देख के फिर पता चलता है कि अच्छा वहाँ कुछ हो गया है। अब मुझे ये लगता है कि आमिर भाई को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर नुमान नियाज बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बहुत पुराने सही बात है पाकिस्तान टीम के साथ टूर किए हैं, पीसीबी के साथ वाबस्ता रहे हैं, शुएब अख्तर हमारे लेजेंड हैं, आमिर सेहेल की कैप्टनसी में पहली मरतबा उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच जितवाया था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि दो दोस्त से पुराने हो ना 30 साल के ऑन स्क्रीन चले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और मुझे ये कहने में भी कोई मतलब आर नहीं है कि नुमान नियाज साहब को अपने होस्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, वो उनके गेस्ट थे, वो साबिक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के हीरो हैं, आप किसी को अपने शो में बुलाकर ये नहीं कह सकते कि अब आप चले जाएं, इस तरह की बात हुई थी। आप क्या समझते हैं, क्या शुएब अख्तर के पास कोई और ऑप्शन था? ब्रेक पे गए, ब्रेक से वापस आए और उन्होंने कहा कि मैं क्विट करता हूं और रिजाइन करता हूं पीटीवी से, क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन भी था? लेकिन शुएब ने जिस तरह बात की, अब उनके दिल में क्या था वो तो शुएब ही जानते हैं, या उस ब्रेक के दौरान क्या हुआ ये भी गहरी बात है, हम तो वहां मौजूद नहीं थे, बट जो मैंने ऑन स्क्रीन चीज देखी उससे मुझे ये जरूर फील हुआ कि शुएब ने अपोलोजाइज किया, क्योंकि जैसे आमिर भाई भी कह रहे हैं कि सर विप रिचर्ड्स, डेविड गावर, ये बहुत कदावर शख्सियात हैं, हम तो पाकिस्तान में जब ये आए हैं इनको देख के खुश होते हैं कि इनकी बात सुनने का मौका मिल जाए, इन
जैसे लोगों के साथ हमारे अपनी फ्रेटर्निटी के लोग बैठे हों तो हम उस पर भी बड़े खुश होते हैं। और डॉक्टर नुमान न्यास को क्रेडिट जाता है बाय द वे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लेकर आए हुए हैं, बट ये उनके सामने सब कुछ हो गया। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। अब यही देखा जा सकता है कि पीटीवी में जैसे वो ट्वीट भी आ गया कि इंक्वायरी हो रही, सब कुछ हो रहा है, बट ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की साख के लिए, अच्छा नहीं हुआ, और ये चीज़ ना होती तो बेहतर था। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस किया, एक चीज़ सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, चंद आप चैनल्स की बात कर सकते हो कि जिन्होंने स्पोर्ट्स शॉप में जाके बल्ला नहीं उठा के देखा हुआ या गेंद नहीं पकड़ा उन्होंने ज़िंदगी में, वो एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट आए होते हैं। वो आके देखें, एक एक्सपर्ट की अपनी जो है वो वैल्यू है, एक एनालिस्ट की अपनी वैल्यू है, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की अपनी वैल्यू है। जिस जिस की जो वैल्यू है ना उसके मुताबिक वो सामने आए। इम्पर्सन वो क्या कहते हैं, वो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, वो मैं नहीं करना चाह रहा टीवी के ऊपर बैठ के। आप वो जो जो अपनी लिमिट है उसमें रहें, यानी अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जो जो क्रिकेट की एक्सपर्टी है, जो जो फाइनर पॉइंट्स ऑफ द गेम है, जो चीज़ें जो है निटी ग्रिटीज हैं, जो क्रिकेटर समझ सकता है, जिसने अंदर प्रेशर सिचुएशन को डील किया हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, वो आपको ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकता है। आप लोगों की क्रिकेटर्स की बातें सुन के आके आप वो जो थोपना है अपनी जो एक्वायर्ड इंटेलिजेंस है वो मेरा ख्याल है बंद होनी चाहिए। हर किसी को अपनी लिमिट देखनी है। अब देखें डॉक्टर नुमान की क्रिकेट जो हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्रिकेट भी उन्होंने थोड़ी बहुत खेली होगी, लेकिन जब आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आपने अपने आप को लिमिट करना है। आपने अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको नहीं झाड़ना, आप अपने क्वेश्चन में अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको शो कर दें, लेकिन जो उनके मुंह से अल्फाज निकलेंगे दे हैव द वैल्यू। मैं खुद बड़ा मोहतात हो रहा हूँ। नहीं नहीं, आप देखें आप भी अपने लिमिट में रह रहे हैं ना, आप अपने लिमिट में रह के सारा कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब आप आके ये कहना शुरू कर दें कि जी वो जरा फिंच है ओदी ते टेक्निक ही नहीं चंगी ओदी ते लात इधर जांदी ओदी लात इधर आंदी ओदा बल्ला इधरों आंदा है, तो बात खत्म होगी ना। आपको जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे ये किधर जा रहे हैं अभी। सो हर किसी को अपनी डोमेन और अपनी लिमिटेशन में रहकर करना है। इससे पहले कि मैं मैचेस पे बात करूं, एक आखिरी सवाल इससे रिलेटेड, क्या आप ये समझते हैं कि डैमेज कंट्रोल किसी तरीके से हो सकता था? क्योंकि मसला तो अभी भी उसी जगह बरकरार है कि इतने बड़े स्टार्स के सामने जो गैर मुल्की भी बैठे हुए हैं, अपने मुल्क के भी वापस मौजूद हैं। आई थिंक ब्रेक में जब गए हैं तो उसी वक्त सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, उसी वक्त एंकर का काम था, उसको रियलाइज हो जाना चाहिए था कि मेरे से गलती होगी, मैं शो कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज एंकर एट दैट टाइम और उनने शो को कंट्रोल करना है। अब ये देखें लोग रिलक्टेंट होंगे उनके साथ बैठने के लिए, अब यार ये तो किसी टाइम भी आपको बेइज्जत कर सकता है, सो अब रिलक्टेंस ही आएगी। उनको ब्रेक में इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, अपोलोजाइज कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, शोएब इंसान बड़ा होता है, गलती अगर आप एडमिट कर लो वो बताता है कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। ब्रेक में कर लेते सॉर्ट आउट, अगर ब्रेक में सॉर्ट आउट किया होता तो फिर वो ऑन एयर आके शोएब अख्तर का भी ये डिमांड ना करता कि इफ़ यू अपोलोजाइज यू शुड अपोलोजाइज। उन्होंने नहीं किया तो देन ही डिसाइडेड टू गो, वहाँ पे भी उनको कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अ पर्सन वॉकिंग आउट, अब देखें ये दोनों तरफ जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है। शोएब अख्तर की भी कमिटमेंट थी, उनको अपना शो पूरा करना चाहिए था, शो पूरा करने के बाद उनको जो है जो भी मसला है वो उसको करना चाहिए था। और अगर डॉक्टर नुमान को भी थोड़ा सा अपना कैरेक्टर शो करना चाहिए था, गलती मानने में कोई हर्ज नहीं होता, गलती। और दूसरी चीज़ आप देखें कि यहाँ पे आपका एक एक लफ्ज़ को लेके उसके मुख्तलिफ वो पैराई में मुख्तलिफ पैराई में मतलब मुझे भी एक चैनल ने फंसाया था इसी तरह काफ़ी अर्सा पहले, बात में कुछ और कर रहा था, रंग कुछ और दे दिया। सो जब आप इधर बैठते हो नेशनल टीवी के ऊपर उस चीज़ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा बाद में, सही कि भाई अब आपके जो अल्फाज आपने चूज़ करने हैं वो उनमें वेट भी होना चाहिए और आपने किसी को ऑफेंड भी नहीं करना, यानी मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगु करनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव मोहतात तरीके से करना चाहिए कि किसी की दिल आजारी ना भी हो और साथ ही साथ आपका मकसद भी पूरा हो जाए। नाज़रीन इस पर मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आज के दूसरे मैच के हवाले से जो नामीबिया और स्कॉटलैंड के दरमियान था। नामीबिया ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि नामीबिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब नामीबिया आने वाले दिनों में जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है, पिछले दो मैचेस में चेज़ किया उन्होंने, तो वो किस किस के लिए खतरा बन सकती है नामीबिया की टीम। तो आज हमारा जो सेगमेंट है जो कोक की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, कमाल कर दिया, जिसमें रूबिन ट्रम्पल मैन ने तीन विकेट्स जो हासिल किए हैं वो किस तरीके से हासिल किए। नाज़रीन नामीबिया की परफॉर्मेंस पे तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के हवाले से कि स्कॉटलैंड को हुआ क्या। आमिर भाई, बांग्लादेश को हराने के बाद जिस तरह उम्मीदें बुलंद हुई स्कॉटलैंड को देखते हुए, अचानक सुपर 12 में आके झाक की तरह बैठ की वजह क्या बनी? आई थिंक टेक्निकली वहाँ पर नहीं है इनके बैट्समैन। अगर आप नामीबिया के बैट्समैनों को कंपेयर करें तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि नामीबिया की टीम जो है वो सरप्राइज़ कर सकती है इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि इनकी जो टेक्निकल नो हाव है वो स्लाइटली बेटर है बाकी टीमों से, इसीलिए आपको वो अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। अभी भी झिझक के खेल रहे हैं, अभी भी वो पूरे थ्रॉटल के ऊपर नामीबिया की टीम जो है अभी यू नो ब्रेक लूज नहीं कर रही, अभी भी वो लिमिट में रह के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छी आउटलुक नज़र आ रही है उनकी क्रिकेट की और नज़र आ रहा है कि नामीबिया की क्रिकेट इन फ्यूचर जाके इम्प्रूव होगी, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि इनके सिस्टम में अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करने की सकत है, सही, और रूम है कि ये इस तरह के अच्छे प्लेयर निकाल सकें। और आई थिंक हमने जब स्कॉटलैंड को देखा था, आपने अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच देखे तो एक ही बैट्समैन ने इनके मेरा ख्याल जो लेग स्पिन भी करते हैं उन्होंने रन्स किए, क्रिस गिव्स ने मेरा ख्याल रन्स किए, 44 रन्स उस मैच में किए, तो एक डिसेंट टोटल आया और उसके बाद डिफेंड करने में कामयाब हुए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि बांग्लादेश हार जाएगा इनसे, वो वाली जीत हुई, लेकिन उसके बाद अगर इनकी आप परफॉर्मेंसेस देखें तो कोई आउटस्टैंडिंग बैट्समैनशिप नहीं आपको नजर आई, एक आधी इनिंग्स हुई है जिसकी वजह से बड़ा बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, अफगानिस्तान के खिलाफ भी टोटली एक्सपोज हुए। आई थिंक टेक्निकली अभी वो इधर नहीं है, बॉलिंग थोड़ी सी इनकी कदर बेहतर है लेकिन बैटिंग में इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लस इनके कैप्टन भी आज अवेलेबल नहीं थे जिन्होंने पिछले एक आधे मैच में इन्होंने स्कोर भी किया, सो अभी इनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब्दुल गफ्फार, आप क्या राय रखते हैं, तीन बल्लेबाज स्कॉटलैंड के सिफर पर आउट हो जाए, बैरिंगटन जिनमें हैं कैप्टन थे आज, और उसके अलावा मंसी और उसके अलावा मैकलोड, आप इन तीनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, ओपनर आए वो भी आउट हो गए, जो वन डाउन आए वो भी आउट हो गए, उसके बाद आने वाले भी आउट हो गए, तो फिर तो आगे झड़ी तो लगनी थी। देखिए यहाँ से T20 क्रिकेट की ये ब्यूटी है कि अगर आपके एक अच्छी इनिंग लग जाए, एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, तो एक डिजास्टर स्टार्ट भी आपको मैच में वापस आता है, और हमने देखा आज के माइकल लिस की जो 44 थे, क्रिस ग्रीव की जो 25 रन थे, तो 109/8 इवेंचुअली हमने देखा कि लगा ये कि 15-20 रन और ज़्यादा होते तो शायद प्रेशर डाल सकते थे। आप देखिए बिल्कुल आखिरी ओवर में जाके 115 रन चेज हुए, वो के मैच में थे हमेशा से नामीबिया की टीम, लेकिन यही ब्यूटी है T20 की, और डिजास्टर स्टार्ट था लेकिन एक अच्छी लोअर ऑर्डर पार्टनरशिप हुई, और यही इस वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी अगर कल का मैच देखें तो आपको पेशेंस नहीं छोड़नी है विकेटों पर, आपने आखिर तक जाना है। वो जो एक पुरानी क्रिकेट थी ना 90s वाली, जिसमें हम 250 वन डे इसमें हुआ करते थे, और इसमें प्लानिंग ही होती थी कि आपने मैच को लंबा करना है, आपने विकेट पर खड़े रहना है, और ये एक्सपीरियंस से आता है। आई थिंक जो टीमें, इन टीमों के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद हैं, पाकिस्तान की टीम शायद इसीलिए बेहतर भी कर रही है कि हमारे पास फॉर्चुनेटली इन विकेटों के लिए वो खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके पास टेम्परामेंट है, रिजवान, बाबर, और फिर जिस तरह हफीज़ मलिक की बात कर लें आप, नीचे फिर आपके पास दीगर बैट्समैन, तो इन विकेटों पर तो वो तारिक सईद ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, बड़े अच्छे उर्दू कमेंटेटर हैं कि इन यूई की सराह पर आपको ऊंट की चाल से चलना पड़ेगा, ये वो विकेटें हैं जहाँ जल्दबाजी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे घोड़े नहीं दौड़ाए जा सकते। ये चीज़ें तो अंडरस्टूड थी हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट भी नहीं हुआ, जो IPL में हो रहा था उससे आपको नज़र आ रहा था साइन ऑफ थिंग्स टू कम, और आपको प्रिपेयर होना था। देखिए पाकिस्तान में जो एक चीज़, एक गलत कल्चर जो डेवलप हुआ हुआ है, स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना है। देखिए जिनका स्ट्राइक रेट जो है 150 के पास है या 140 से ऊपर है, उनकी एवरेजेस बहुत नीचे हैं, और जिनका स्ट्राइक रेट 130-138 तक है, अगर आप उनकी एवरेजेस निकाल के देखें, कोई 50 से ऊपर है, कोई 46 से ऊपर है, कोई 55 है, भी देख ले 130। सो देखिए आपका एक अच्छा स्ट्राइक रेट होना चाहिए,
और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एवरेज है, क्योंकि अगर एक प्लेयर आपको एवरेज के ऊपर स्कोर करके दे रहा है तो वो एवरेजेस के ऊपर आपने टीम बनानी है, आपने स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम नहीं बनानी। सो अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब बॉलर्स को बॉलिंग करनी आ गई है T20 में, अब बैट्समैनों को जो है अपनी थिंकिंग को फॉरवर्ड करना है कि अब बॉलर्स को बॉलिंग करनी आ गई है, तो अब हम क्या चीज करेंगे कि जो ये डोमिनेट कर रहे हैं इसको ओवरकम करें। आपने तजुर्बाकारी से अंदाजा लगाना है कि मिड विकेट नहीं खेलना, स्ट्रेट खेलना। एग्जैक्टली आप देखें, आपने जिस सतह के ऊपर या पिच के ऊपर फाइट करनी है, अगर आपको उसको पता ही नहीं है और आप समझें कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं बल्ला इस तरह करके फ्लेल कर रहा हूँ, बल्ला घुमा रहा हूँ और लगती जाएंगी, तो आई थिंक उससे काम नहीं चलता। अंडरस्टैंड करेंगे कंडीशंस को तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपने ऑपोजिशन को जाके डील किस तरह करना है, बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी। यही सही। अब्दुल गफ्फार साहब, क्या समझते हैं नमीबिया की परफॉर्मेंस, अगर क्वालिफाइंग एक मैच श्रीलंका का छोड़ दें और उसके बाद क्वालिफाइंग दूसरा मैच देखें, फिर सुपर 12 के अंदर दो मैचेस देखें, जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह की मुस्ताकिम मिजाजी उनके अंदर पाई जा रही है, ये आगे जो आने वाले दिनों में मैचेस हैं नमीबिया के, पाकिस्तान का अगर मैच ले लें तो पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से पहले नमीबिया का मैच आई थिंक, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी जो है वो किस हद तक बेहतरीन? देखिए, पाकिस्तान के ग्रुप में अगर आप देखें तो बड़ी टीमों को प्रॉब्लम भी है और बड़ी टीमों के लिए वो एक अजीब सूरत हाल भी, क्योंकि नमीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान एक ऐसी टीम जरूर है जिसको हमने भी अगले मैच में देखना है कि वो के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, फिर एक बड़ी दिलचस्प किस्म की उनकी अप्रोच है, उनकी बैटिंग में वो अटैकिंग है बट उनकी स्पिन डिपार्टमेंट में बड़ी पेनिट्रेशन है और वो किसी भी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में इन कंडीशन के अंदर एक सिर्फ बात करने की बात नहीं है, वो वाकई एक सीरियस थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि दे हैव देयर एबिलिटी, स्किल्स और उनके पास वो अप्रोच भी है जो बड़ी टीमों को हराने के लिए होनी चाहिए। नमीबिया का भी एक मैच हुआ है, उन्होंने एक मैच जीता है और अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि स्कॉटलैंड या नमीबिया जो बड़ी टीम है के लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, उनके लिए यही मैच जो है ना वो एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अफगानिस्तान के खिलाफ ही जो है वो आप देखिएगा कि स्कॉटलैंड जैसे एक प्रेशर बिल्ड किया, लेकिन अफगानिस्तान या स्कॉटलैंड जैसे आपने भी खुद कहा, आमिर भाई भी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने वो पोटेंशियल नहीं दिखाया, शायद वो स्किल लेवल नहीं है, शायद दुनिया में कहीं और वर्ल्ड कप हो रहा होता तो उनके जो स्ट्राइक होते हैं शुरू में तेज़ खेलते हैं, उनके बैट बॉल पर आ रहा होता तो शायद एक डिफरेंट स्टोरी होती, पर इन विकटों पर तो वही टीमें चल पाएंगी जिनको यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस है। अफगानिस्तान का ये भी बड़ा एडवांटेज है कि उन्होंने बड़े जमाने तक बहुत अरसे से वो पाकिस्तान में पहले क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन अब वो यूएई में बहुत ज्यादा उनका कैंप लगता है, तो बड़े आदी हैं इन विकेटों पे, यहाँ तक कि अटैक करना आता है, छक्के भी मार लेते हैं। दो चार टीमें हैं जो यूएई की इस वक्त हालात से भी वाकिफ है और पिचेस की कंडीशन से भी वाकिफ है। आमिर भाई, आपको बात एक चीज है, सारे जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप को कह रहे हैं वो ग्रुप ऑफ डेथ है, एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है, मुझे तो ग्रुप ऑफ डेथ ये वाला है, उसकी वजह यह है कि तीन बड़ी टीमें इस ग्रुप में, अब जब छह बड़ी टीमें हैं, हाला वेस्ट इंडीज दो मैच हार गई, उनका नेट रन रेट काफी नीचे है, बांग्लादेश भी हार गई है, उनका भी नेट, अगर नेट रन रेट अच्छा होता और अगर हारे भी होते उनका अभी भी चांस था जीतने का, क्योंकि कोई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हार जाए, इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका हरा दे, श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दे, तो आके छः पॉइंट्स के ऊपर जो है, छः से आठ पॉइंट्स के ऊपर फैसला होना है और उसमें नेट रन रेट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अब न्यूजीलैंड मैच हारता है या इंडिया उससे मैच हारता है न्यूजीलैंड से, तो उनके चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। आगे चल के बात करता हूँ नामीबिया पे, अगर बात करें चार मैचेस उनके देखें क्वालिफाइंग से लेकर सुपर 12 तक, पहला मैच श्रीलंका के साथ, दूसरा नीदरलैंड के साथ, आयरलैंड के साथ, स्कॉटलैंड के साथ, श्रीलंका वाले मैच को अगर आप एक साइड पर रख दें, छोटे से लेके बड़े टोटल तक 164, 126, 109 तीनों मैच वो जीते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो चेस जो कर जाते हैं, ये बल्लेबाजी, यानी आप देखें कि एक तरफ दूसरी टीमें हैं जो यूएई में खेली हुई हैं और उन्हें कंडीशंस का भी पता है, नामीबिया की टीम नहीं खेली एक बड़े वर्ल्ड कप के अंदर, यानी एक बड़े टूर्नामेंट में पहली बार आई है, तो वो किस तरह परख रही है उसकी ये जिद्दत कैसे? डेविड वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइनअप में, उनका एक्सपीरियंस है यूएई में क्रिकेट खेलने का और उन्होंने सब लड़कों को बताया होगा कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। अब देखिए, शुरू में आते हैं थोड़ा सा ट्राई करते हैं अटैक करने की, चौके छुके निकाल लेते हैं, जैसे विकेट गिरती है बड़ी मेजर्ड अप्रोच के साथ फिर ये खेलना शुरू करते हैं, मैच को एंड तक लेके जाते हैं। आज भी देखें उन्होंने दिमाग में ये बिठाया हुआ है हमने जीतना है, उनको नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं है, उनको कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि देखें हमारा मुल्क है
उसने इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट के ऊपर, हम सिर्फ ये दिखाने आए हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया नहीं हुई। अब्दुल गफर, आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड और बांग्लादेश का आज जो मैच हुआ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टफ मैच होगा, लेकिन जिस तरीके से का आज वो मैच देखने को मिला वो यकतरफा सा एक देखने को मिला है। आप बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश को आगे जाके कितनी मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश के लिए सूरत हाल बहुत ही अब मुश्किल है, चूंकि एक तरह से तो आउट हुई दिखाई देती है ना। बिल्कुल, चूंकि रन रेट ही बहुत खराब हो गया ना। देखिए, 124 रन पे खुद 9 विकेटों के बनाए, उसके बाद 14 ओवर में 126 रन बनवा दिए, चेस करवा दिए। तो इंग्लैंड तो बिल्कुल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान का स्टाइल एक डिफरेंट है। वहाँ पे अगर आप देखें, जॉनी बेस्टो हो, जैसन रॉय हो, अभी तो जॉनी बेस्टो और बाकी सॉरी लियाम लिविंगस्टन वगैरह जैसे प्लेयर्स की तो बारी नहीं आई, बट हमेशा की तरह इंग्लैंड बड़े समझदार हो गए हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट के हवाले से। 2015 में जो झटका पहुंचा था ना, उसके बाद से एग्रेसिव तो हुए हैं लेकिन होश से भी बड़ा काम लेते हैं। उन्होंने कभी भी मुइन अली और राशिद को कभी अपने प्लान से निकाला ही नहीं। ये वो अप्रोच है जो एक ज़माने में पाकिस्तान, मुझे याद है, किया करता था कि लेग स्पिनर हमारी वनडे टीम का मुसलसल फीचर होते थे और हम दो दो स्पिनर्स भी खिला लिया करते थे। लेकिन इन विकेटों पर उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी स्पिनर थे। फिर आप देखें, लियाम लिविंगस्टन आज 3 विकेट ले गए। न्यूजीलैंड की टीम ने कल जो आई थिंक जो ट्रिक मिस की वो ये था कि इस विकेट पर जहां उनके स्पिनर्स को खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हुआ था, शायद कोई एक आध पार्ट टाइम स्पिनर भी होता उनके पास तो वो एक कमाल कर सकते थे। इंग्लैंड की टीम अभी नहीं, वो बहुत अरसे से कंसिस्टेंट टीम है। टीम टू बीट उनका एक, उन्होंने एक बेंच मार्क सेट कर दिया है लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर, स्पेशली वनडेज के अंदर 350-450 विकेट लेकर आ गए। लेकिन आप देखें तो अच्छी टीमें वही होती हैं जिस तरह वो हैं। बड़े प्लेयर नहीं है उनके पास, देखें बैन स्टोक्स नहीं है उनके पास, जोफ्रा आर्चर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक प्लान के साथ चल रहे हैं। उन्होंने एक प्लान बना लिया है कि मुइन अली, राशिद, लिविंगस्टन, ये हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं, जब फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर गेम प्लान के साथ मैदान में उतरते हैं। तो फिर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो बांग्लादेश या दूसरी टीमें हैं वेस्ट इंडीज, ये किसी का साथ लेके जाएंगी। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल यू नो आउट ऑफ सॉर्ट्स थी, हार रही थी सबसे। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हरा के हमारे लिए मौका पैदा कर दिया कि हम सेमीफाइनल में चले जाएं। तो मुझे लग रहा है ये वाली टीमें किसी ना किसी का साथ लेके जाएंगी। बांग्लादेश अगर 3 मैचेस जीत भी जाती है तो उसका रन रेट जितना गिरा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या बनेगा? नहीं, मैं इसलिए कहा है कि उनका मुश्किल हो गया, रन रेट तो बहुत नीचे चला गया, मैचेस भी बढ़े आगे मैचेस, लेकिन अब ये स्पॉइलर होंगे किसी ना किसी के लिए जिस दो के भाई इस अगर वेस्ट इंडीज़ से या बांग्लादेश से जीत जाए तो सेमीफाइनल में सीधा, वो वाली सिचुएशन उसमें ये किसी ना किसी का काम मुझे लगता खराब करेंगे, किसी ना किसी का सर जरूर लेकर जाएंगे। अब देखते हैं ये है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या है और बांग्लादेश किसको टफ टाइम दे सकती है। अब्दुल गफार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल गफार साहब बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल के मैचेस पे बात करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कल के मैच पे बात करेंगे। सुपर 12 का कल एक ही मैच है जो 7 बजे होगा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के माबैन। तो इस वक्त हम देखें कि अगर कल की सूरत हाल ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। आमिर भाई, अगर बैटिंग लाइन हम देखें ऑस्ट्रेलिया की, मैक्सवेल, एरॉन फिंच जैसे, मार्शल जैसे अगर खिलाड़ी मौजूद हों, वार्नर जैसे हों, तो बैटिंग लाइन अगर मफरूजे पे हम चले जाएं कि पहले टॉस जीतकर बैटिंग का ये फैसला करते हैं, तो स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा टोटल क्या देखें? देखिए, जो कंडीशंस हैं दुबई स्टेडियम की, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी यही सोच रहा होगा कि हम लोग 160-165 करने हैं। सही। और इसलिए ज़्यादा उन्होंने सोचना नहीं है क्योंकि श्रीलंका के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। टिक्शाना उनके जो मिस्ट्री बॉलर हैं, वो साइड स्ट्रेन से बाहर थे, ही हैज़ मेड अ कमबैक, वो कल के लिए अवेलेबल है। टिक्शाना से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? अगर पिछले मैच में आप देखें, क्वालिफाइंग से एक टीम आई हुई थोड़ी सी घबराई हुई है, अभी तक उनके बल्लेबाज भी घबराए हुए थे, तो टिक्शाना के आने से टीम मजबूत कितनी हुई? देखिए, बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है इस वक्त, बैट्समैन उनके देखें अभी उनके कुशाल परेरा नहीं चल रहे अभी तक, ही इज़ फाइंडिंग हिज फीट, बीमार रहे हैं अभी तक, फॉर्म नहीं उनको हासिल हो सकी। उसके बाद अविष्का फर्नांडो जो उनके बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं, दो पहले गेंद पे आउट हुए। सो ये बैटिंग में तो उनके कंसर्न्स हैं। निसांका एक ऐसे बैट्समैन है जो उनको थोड़ी सी होप दे रहा है, जो बड़ी
अच्छी बैटिंग कर रहा है, विकेट के ऊपर ठहर के जब बाउंड्री की ज़रूरत होती है बाउंड्री प्रोड्यूस करता है, छक्का भी मार लेता है। हसन रंगा जो है इम्पोर्टेंट स्कोर कर रहा है, लेकिन बड़े मैच में आप फिर प्रॉपर बैट्समैनों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक अच्छा टोटल करके देंगे। बैटिंग कंसर्न है, लेकिन मेरा ख्याल है टिकशाना के आने की वजह से श्रीलंका की टीम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेगी और कल का मैच जो है बड़ा तगड़ा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी बैट्समैनों को हमने देखा थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थोड़ा साइन दिखा रहे हैं कि ऐसी पिचेस के ऊपर अभी तक वो यूज टू नहीं है। श्रीलंका के मुकाबले में आप टीम आपको नहीं लगता कि वो मजबूत ज्यादा होगी? क्वालिफाइंग से टीम आई है, घबराई हुई पहले से है, बेशक माजी बहुत अच्छा शानदार रहा है, लेकिन अभी जिस तरह के वो क्वालिफाइंग मैच के अंदर भी एक दो मैच में घबराए हुए लगे, फिर बाद में अब इस सुपर 12 में आने के बाद भी वो जब बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये मैच इतना टफ है? उनको कॉन्फिडेंस होगा जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता, एक बड़ा टोटल जो अगर आप टूर्नामेंट का सारे का जायजा लें तो 170 चेज करना जो है वो कोई आसान काम नहीं था, और स्पेशली जब आप अर्ली विकेट्स गवा देते हैं वहाँ से आप कम बैक करके ओवर द लाइन जाए, तो उस चीज़ ने उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर दिया होगा। लेकिन अगर उनके कुशाल परेरा चलते हैं, अगर वो उनको अच्छा स्टार्ट देते हैं और अविष्का फर्नांडो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ये अच्छा टोटल हासिल कर लेते हैं श्रीलंकन के, इवन उन कंडीशंस में भी ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को अगर थोड़ी बहुत ऑस भी पड़ती है तंग कर सकते हैं। जब एक खिलाड़ी दो मैचेस के अंदर सिफर पे आउट हो जाए तो फिर अगला मैच एक बड़ी टीम के साथ हो तो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर तो है, फर्नांडो की बात करें, देखिए प्रेशर तो होगा बिकॉज ही इज एक्सपोज टू सच अ सिचुएशन। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको ये वाली सिचुएशन को डील करना होगा, लेकिन उनमें एबिलिटी है, बड़े तगड़े प्लेयर हैं। आई थिंक वो डिटर्मेंट होंगे कि मेरे दो मैच तो अच्छे नहीं गए तो अब मैंने अपने आप को रिडीम करना है, मैंने साबित करना है कि वाई आई एम सेलेक्टेड फॉर श्रीलंकन साइड। तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आके जो है वो डिटर्मेंट होके खेलेगा और श्रीलंका को जो है अच्छा स्कोर करके देगा। अगर हम बात करें श्रीलंकन बैटिंग लाइन की तो क्या लगता है आपको कल किसका दिन होगा, निशांका का या परेरा का? देखिए परेरा जो है डेंजरस बैट्समैन है, वो आप देखें उसकी एक तो अप्रोच जो है रन्स करने की और बॉलर्स को जो है हिट्टे मारने की बहुत बहुत तगड़ी अप्रोच है, वो अपनी गेम ही खेलते हैं। दो मैचेस में वो आते ही आउट हो गए हैं, एक मेरा ख्याल है वो ओमान के खिलाफ नहीं किसी और टीम के खिलाफ वो कवर में आके ऊंचा मार दिया था, कैच आउट हो गए थे, एक पिछले मैच में आउट हुए। तो आई थिंक अगर उनका बल्ला चलता है वो जो रब ऑफ करेगा सारी टीम को, वो बड़ी पॉजिटिविटी इनकी टीम में आ जाएगी, एनर्जी भी आएगी इनकी टीम में। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो अभी चल नहीं रहे ये कल कुछ करके देंगे, बड़ा मैच है। ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम देखें तो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंकन बॉलर्स को कितनी श्रीलंकन बॉलर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक जोड़ी का जो रन रेट है या पार्टनरशिप है उसे कहाँ तक जाने दें? देखिए पार्टनरशिप तो देखिए पाकिस्तान जो इस वक्त जो सबसे अच्छा कर रहा है इस टूर्नामेंट में कंटिन्यूसली विकेट पिक कर रहा है, पार्टनरशिप अभी लगती है विकेट मिल जाती है, अगर बॉलर नहीं आउट करता तो रन आउट कर देते हैं आप। सो विकटें लेने का इन्होंने सोचना है, अगर ये कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर प्रेशर तो और लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो बैटिंग है वो आठवें नंबर तक उनके पास बैट्समैन हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया को जो श्रीलंका को कल के मैच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया को भी अलर्ट होके खेलना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत अलर्ट होके खेलना पड़ेगा। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में जो आपका हिस्सा है तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं हसीन यादों के साथ और खूबसूरत लम्हात के साथ। आज जेसन रॉय की आप बैटिंग देखें कि किस तरीके से शानदार परफॉर्म किया उन्होंने और उन्होंने धो डाला, ये धो डाला सेगमेंट है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, आपको कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, मैच के बाद की सूरत हाल पे गुफ्तगू की जाएगी। मुझे और आमिर सेल साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।